हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी मेरी नाइट टाइम किचन क्लीनिंग रूटीन के ऊपर छोटा सा एक वीडियो। मेरी किचन का हालत आज बहुत ही खराब है। रात को स्पेशल डिनर बनाया था, बंगाली पुलाव एंड मटन करी, जो सडनली प्लान हुआ था। फटाफट क्लीनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं सारे बर्तन को बेसिन पर डालूंगी और पानी में सोक कर दूंगी। गैस स्टोव को भी क्लीन करूंगी। दिन में 2-3 बार गैस स्टोव को तो मैं क्लीन कर ही लेती हूँ। पुलाव खत्म हो चुका है, मटन करी अभी भी थोड़ा सा है, इसे बोल में निकाल लूंगी। और ये है मेरी बर्तन रखने का स्टैंड। दोपहर का धुला हुआ बर्तन अभी ड्राई हो चुका है, इसे अभी प्रॉपर प्लेस में रखूंगी। ट्रे में पूरा पानी है, इसे भी निकाल लूंगी। बर्तन मांजने से पहले थोड़े टाइम के लिए अगर बर्तन को पानी से भिगो के रखा जाए तो सारे झूठन वगैरह सब कुछ आसानी से निकल जाता है। और मैं ना बर्तन घिस घिस के मांजती हूँ, मेरा बर्तन ऑलवेज चमकता है। मैं बर्तन जनरली विम जेल से क्लीन करती हूँ। आप लोग को शेयर करना आप कौन सा डिटर्जेंट हो या जेल हो या साबुन हो, कौन सा यूज़ करते हो। यह है तोर्षा का पीने वाला छोटा सा ग्लास, जिसे मैं दिन में कई बार वॉश करती हूँ। अभी रात को डिनर खाया, उसके बाद उसने पानी पिया, अभी इसे और एक बार माँज लूँगी। मैंने एक साथ पूरा बर्तन नहीं क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा माँजती हूँ, उसे वॉश करके रखती हूँ, फिर से थोड़ा सा माँजती हूँ, फिर वॉश करती हूँ। इससे मेरी सुविधा होती है और मुझे ऐसा फील होता है कि इससे बर्तन भी अच्छे से क्लीन होता है और साबुन वगैरह ज़्यादा बर्तन में लगा नहीं रहता है। मैं जब बर्तन माँजना स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले कप, ग्लास की बोल, प्लेट जो भी है और स्पून, सबको छोटे छोटे जो बर्तन होते हैं ना, सबको पहले मैं माँज लेती हूँ। रात बहुत हो चुका है, करीब 11 बजने वाला है। सो आज रात को मैं प्रेशर कुकर को क्लीन नहीं करूँगी। प्रेशर के अंदर जितने सारे झूठन है उसको अच्छे से वॉश करके प्रेशर को मैं पानी से सोख करके रख दूँगी। सुबह मॉर्निंग पे इसे क्लीन करूँगी। अभी मैं मांजा हुआ बर्तन को अच्छे से वॉश करके जो बोल मैंने पहले क्लीन किया था बड़ा वाला, उसमें इसे रखूँगी। इससे जो बर्तन का पानी है बोल में सब स्टोर हो जाएगा और 10-15 मिनट बाद मैं इसको निकल के फिर जो बास्केट है उसके अंदर रखूँगी। इससे बर्तन बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। अब मैं दिखाती हूँ आप सबको। मैं जितनी बार प्रेशर कुकर क्लीन करती हूँ, उसके रबर से लेके उसकी सीटी तक खोल के अच्छे से मैं माँज लेती हूँ। और ये है मेरी मिर्ची का डिब्बा। मिर्ची ख़त्म हो चुका है, इसे क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं फ्रेश मिर्ची पाउडर इसमें डालूँगी। बर्तन में स्टील की बोल पे रखी थी, उससे पानी निकल गया है, मैं अभी उसको वो प्लास्टिक बोल में रखूंगी। इससे क्या होगा, पूरा ड्राई हो जाएगा। थाली को मैं 2 बार वॉश करती हूँ, क्योंकि थाली में झूठन ज़्यादा होता है। खाना खाते हैं तो जो झूठन वगैरह सब ड्राई हो जाता है। पहले मैं एक बार विम जेल से इसे घिस लूँगी, अच्छे से माँजूँगी, उसको वॉश करूँगी, फिर से मैं थोड़ा सा भीम जल लूँगी, उसे अच्छे से घिसूँगी, फिर वॉश करके रखूँगी। अभी देखिए तोर्षा आ गए साइड में कुछ स्पेलिंग वगैरह दिखाने के लिए।
तो शह तो जान है, हम दोनों ही दिन रात बकबक बकबक करते हैं। गैस टैंक को अभी घिस घिस के मैं क्लीन करूंगी। बहुत ही फटाफट दिखा रही हूँ क्योंकि मैं स्पीड बढ़ा दिया है। गैस का जो स्टैंड है मैं दिन में 2-3 बार क्लीन कर ही लेती हूँ। गैस के ऊपर अगर गंदा हो तो कुकिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है मेरा। अभी कढ़ाई को माजूंगी। मेरे ख्याल से नॉनस्टिक बर्तन को क्लीन करना बहुत ही आसान है। स्टील हो या एल्युमिनियम हो सो उसे बहुत ही घिसना पड़ता है। तो नॉनस्टिक बर्तन क्या, फटाफट अब थोड़ा सा पानी से इसे सोख करके रखिए, उसके बाद साबुन से थोड़ा सा घिस लीजिए हल्के हाथों से, फटाफट क्लीन हो जाता है। प्रेशर कुकर को पानी पे सोख कर दिया। अभी आ गई हूँ गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए और उसके आसपास की जो एरिया है उसे भी क्लीन कर लूँगी। कुकिंग करने के टाइम पे जो मसाला हो, तेल हो, उसके छींटे इधर उधर जाता ही है। मैं गैस स्टोव को तार की जाली और भीम जेल से वॉश करूंगी। इसको अच्छे से घिस लूंगी। इससे क्या होगा, गैस के ऊपर हो या उसके आसपास के एरिया में जितनी सारी तेल हो या मसाला जम गया है, कुछ भी हो, फटाफट निकल जाता है। और जब फाइनली मैं इसको पोछूंगी, अब देखना गैस स्टोव पूरा चमकता है। अभी मैं जो कपड़ा है, भीगा हुआ कपड़े से गैस को अच्छे से पोंछ लूंगी। एक बार सामने का जो वॉल है उसे भी क्लीन कर लूंगी और गैस के नीचे भी मैं पोंछूंगी। इसको मैं एक बार वॉश करके लाई हूँ। फिर से मैं कपड़े से गैस को और एक बार पोंछूंगी। अच्छे से मैं गैस के सामने जो नॉब है उसके आसपास के एरिया को भी कपड़े से पोंछ लूंगी। गैस क्लीन हो चुका है, उसके आसपास के एरिया, गैस के नीचे के एरिया में अच्छे से पोंछ लिया। अभी गैस को सेट कर दूंगी। देखिए गैस स्टोव कितना चमक रहा है। उस साइड पे है मैट, उसके ऊपर मसाला हो या नमक हो, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं रखती हूँ, उसे हटा के अभी क्लीन करूँगी क्योंकि खाना बनाने के टाइम पे थोड़ा बहुत मसाला उधर भी चले जाते हैं। जब हम खाना बनाते हैं थोड़ा बहुत चीनी या नमक हो मैट के ऊपर गिर ही जाता है, इसलिए मैंने मैट को भी एक बार इस तरह से झाड़ लिया। झाड़ लिया ही तो बोलते हैं बंगाली में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। कपड़े को फिर से वॉश करके लाई हूँ और फाइनली मैं गैस स्टोव को और एक बार क्लीन कर लूँगी। अभी मैं इस ट्रे को अच्छे से वॉश कर लूँगी। इसके ऊपर मैं भीम जेल या जो स्कॉच ब्राइट की जो बॉल है इसे रखती हूँ। मैं जब भी बर्तन को क्लीन करती हूँ उसके साथ में जो स्कॉच ब्राइट हो, जो तार की जाली हो, उसे भी अच्छे से वॉश करके ही रखती हूँ। तार की जाली से ही मैं थोड़ा सा साबुन लेके जो टैप है उसे क्लीन कर लूँगी। अभी मैं बेसिन क्लीन नहीं करूँगी, रात बहुत हो चुका है। दिन में एक बार बेसिन क्लीन करती हूँ। मैं जब नहाने से पहले जब बर्तन क्लीन करती हूँ तब भी अच्छे से मैं बेसिन को भी क्लीन करके रखती हूँ। और जो कपड़े से मैंने पोछा लगाया अभी, उसको भी थोड़ा सा भीम जेल लगा के वॉश कर लूंगी। अभी मैं फाइनली मेरी हाथ को वॉश करूंगी। देखिए मेरा नाइट टाइम में किचन क्लीनिंग पूरा कंप्लीट है। मैं इसी तरह से ही डेली करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कुछ क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए और मेरे साथ रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। टिल देन बाय।